हेलो एवरीवन, LSC 4 के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे गए हैं तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो आपका प्रैक्टिकल हो चुका है LSC 4 का, तो उसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड या हुआ अभी हुआ था, तो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आपको सारे नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो इसमें से जैसे कि पहला आपका है माइक्रोस्कोप भी, तो उसमें जो वाइवा में भी आपसे पूछ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका यूज क्या है, क्योंकि मैंने भी जब मैं प्रैक्टिकल दिया था, वाइवा दिया था, तो उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो माइक्रोस्कोप से पूछते हैं आपसे, और या उस पूछते हैं इसका क्या यूज है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, और ये सारे क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि पहला आप एक्सपेरिमेंट है माइक्रोस्कोप के बारे में दिया है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसमें माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा आपको ये फिगर वगैरह ज़्यादा नहीं आपको इसमें मतलब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बस आपको सिंपल पता होना चाहिए क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर जो होती है, ये इसका फॉर्मूला दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। और सिंपल का है कि मेरे कुछ वीडियोज पड़े हैं, जो मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में बस ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज है कि जो एक्सपेरिमेंट में आपके पूछे जाते हैं, किस एक्सपेरिमेंट से आपको याद आप पूछे जाते हैं, या तो आपको मतलब एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, तो आप मेन किस पे फोकस करेंगे, और वरना आप मेरी वीडियो भी दे सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हर एक्सपेरिमेंट के उसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसमें से रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ये भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो वेवलेंथ है या इसमें दिया हुआ है, और इसमें इसका जो कोरिलेशन दिया है कि जो रिजॉल्विंग पावर इज द हाइएस्ट, लैम्डा इज स्मॉलर, तो ये इसका जो कोरिलेशन दिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। और जो रिजॉल्विंग पावर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्टिव बेस है वो अच्छा हो जाएगा, वाइवा भी अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये कि आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, और जितना जो एक्सपेरिमेंट में मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने मतलब एग्ज़ाम दिए हैं या जितना भी मैंने लोगों से पूछा है, तो उसके बेसिस में जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे हैं आपको। तो जैसे कि इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। फिर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ, प्रिकॉशन है, ये थोड़ा आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रिकॉशन हो सकता है पूछे जाए। फिर उसके बाद इसमें दिया है आपका डिजेक्शन माइक्रोस्कोप, और इसमें टाइप है, ये सब आपके टाइप दिए हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर ने पूछा था कि माइक्रोस्कोप के टाइप कौन कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। डिजेक्शन माइक्रोस्कोप होता है, और इसके पहले आपको कौन सा माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, जो रिजॉल्विंग पावर अच्छी होती है माइक्रोस्कोप की, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये आपके वो पूछ सकता है, प्रिकॉशन हो गए इसका, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर है आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपका माइक्रोमीटरी जो होती है, ये भी पूछ सकता है सिंपल कि माइक्रोमीटर क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है माइक्रोमीटर के बारे में। तो सिंपल होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए होता है। तो इसमें ज़्यादातर इसमें ये क्वेश्चन आया था आपका कि डायमीटर ऑफ RBC हाइएस्ट ऑफ द कॉलमनर सेल्स, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द लिविंग सेल, मतलब इसमें दे सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, कहेंगे कि ये किसके लिए यूज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और मटेरियल तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछा जाता है इसका यूज क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। फिर माइक्रोमीटर मेजरमेंट, हाँ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा इसका। ये इसमें दो मेजरमेंट दो होते हैं इसके, और इसमें टाइप होते हैं, एक होता है ऑक्युलोमीटर, एक होता है स्टेज माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर जो होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और प्रोसीजर तो इतना नहीं पूछा जाएगा, फार्मूला पढ़ लीजिएगा। ये होता है आपका स्टेज अपॉन ऑक्युलोमीटर रीडिंग इनटू 10। भी ये सेल्फ असेसमेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप उसके बारे में, बस सेकंड में क्या है आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या इसका यूज है, और माइक्रोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पूछ सकता है कि सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट है तो एग्जाम जो होते हैं वो स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा पूछते हैं। तो ये माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ऑब्जेक्टिव के लिए भी और वाइवा के लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड के पे आ जाते हैं। तो इसमें आपका, हाँ ये पूछा गया था स्टेन क्यों करते हैं, स्टेन क्या होता है। तो आपके जो पांच एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग के हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ सेल हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, या आपका, हाँ आपका ये तो नहीं, आपका प्लांट टिश्यू तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ। जैसे कि इसमें कि प्लांट की इसमें जेनेटिक्स दी है, तो वो जेनेटिक्स के बारे में वाइवा में पूछते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने वाइवा दिया था तो उसमें जेनेटिक्स के बारे में पूछ रहे थे, व्हाट इज जेनेटिक्स, क्योंकि इसमें प्लांट की जेनेटिक्स दी हुई है। तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो इसमें स्टेन के बारे में आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि स्टेन क्या होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में भी तो स्टेन करवाते हैं, उसमें स्टेन ही मतलब वो कलर के लिए। तो इसीलिए, और ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे उसमें वीडियो में मिल जाएंगे, उसमें पूरा आपको ऑब्जेक्टिव बेस दिया हुआ है। इसमें सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से, हाँ ये पूछ सकता है कि स्टेन में कौन कौन सी आप यूज करेंगे, मिथाइलिन ब्लू है, ग्लिसरीन है। सिंपल से आप इसका यूज मतलब इसमें देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ यूज करते हैं स्टेन में, मतलब ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका दिया है वाइटल स्टेनिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन जो आया था ये आया था, एली जेरीन जो होता है वो कौन सी वाइटल स्टेन होता है, एसिडिक होता है, ये इस बार क्वेश्चन आया था। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, किस टॉपिक से कौन से आए हैं वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं उस पर। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं ये इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो मतलब स्टार्टिंग के टॉपिक हैं उन्हें बिल्कुल छोड़िएगा नहीं आप। तो ये वो कौन सी, जैसे कि बेसिक, अब इस बार तो एसिडिक वाइटल स्टेन आ गया, अब मान लो पिछली बार बेसिक स्टेन आ सकता है, तो ये मिथाइलिन ब्लू होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये वाइटल स्टेन जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, क्या होता है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। फिर उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, हाँ जैसे कि ये जिसमें प्रोसीजर दिया हुआ है क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, तो इतना डीपली नहीं पूछते हैं, बस हाँ ये यूज पूछ सकते हैं कि आप स्टेन में क्या क्या चीज़ यूज होती है जो आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद है प्लांट सेल है, हाँ अब स्टेन में ये भी पूछ सकते हैं प्लांट में हम क्या चीज़ स्टेन करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल में हम क्या चीज़ में, तो उसकी जो एपिडर्मल सेल होती है उसके बारे में उसको हम स्टेन करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एपिडर्मल सेल जो होती है उसी को हम स्टेन करते हैं,
प्रिकॉशन इम्पॉर्टेंट है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। और ये हो गया आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट। फिर आप बात करते हैं, सेकेंड हो गया स्टेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइबा में भी पूछा जाएगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, स्टडी ऑफ सेल को ही हम स्टेन बोलते हैं, सेल इसमें सेल की स्टडी करते हैं, ये थर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ, फोर्थ में क्या है, एनिमल टिशू की स्टडी करते हैं। तो इसमें एनिमल टिशू जितने भी दिए हुए हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा, इसमें तो बहुत लेंदी दिया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं आना है, उसमें मोस्टली उसका आपका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछ सकते हैं एनिमल टिश्यू में, इसमें से जैसे कि एपिथेलियल आता है, कनेक्टिव है, और इसमें इस बार जो क्वेश्चन आया था कनेक्टिव टिश्यू आया था, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बता सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है, अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, इस कंपोज ऑफ फ्लूड, इसमें आपके सेल्स फाइबर्स आते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में आपका स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है और बाइंडिंग कनेक्टिव, स्केलेटन में आपका कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बोन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोन किस टिश्यू में आता है, तो ये आपका ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू में आता है ये, ठीक है। फिर बाइंडिंग में लूज हो गया, डेंस, तो ये ऐसे नहीं पूछेगा, लूज का कोई एग्जाम्पल दे देगा, तो ये चीज़ आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि क्या है, एरियोलर है, तो एडिपोज टिश्यू होता है इसका, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस बार आया था। बहुत ज़्यादा इसमें आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, बस एग्जाम्पल ज़्यादातर इसमें ध्यान देना है कि कौन किस में आता है। इससे कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है कि स्केलेटल, तो स्केलेटल में आपका कार्टिलेज है, बोन है, देखो कार्टिलेज, यही क्वेश्चन आया था कि बोन किस में आता है इसका कनेक्टिव टिश्यू में। अब वहाँ तुम प्रैक्टिकल में यदि आप उस जिस समय आप ऑब्जेक्टिव दे रहे होंगे तो उस समय ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको याद नहीं होगा, तो आप मेन आपको रटना नहीं है, पढ़ लेना एक बार है इसकी, जो इसके बारे में कार्टिलेज क्या होता है, तो लेकिन जो एग्जांपल है वो आप इसको अच्छे से रट लेना कि कनेक्टिव में क्या आता है, स्केलेटल में क्या, स्केलेटल में ही कनेक्टिव टिश्यू आता है, तो आपका स्केलेटल में ही, स्केलेटल किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में आपका स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सिलिएटेड है, ग्लैंडुलस है, तो आपको इसे स्क्वामस में क्या आता है, ये इस, हाँ ये इसमें से आया था, स्क्वामस में आपका जैसे ब्लड वेसल हो गई है, जो आपकी जो हार्ट होता है, आपको जो हार्ट होता है उसकी, उसमें भी ये होता है, और ब्लड वेसल की भी जो होती हैं उसके अंदर भी स्क्वामस एपिथेलियल सेल होता है, तो ये सारे आप मेरे वीडियो में जाएंगे तो सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल में जैसे जैसे कि ये पूछ सकता है किडनी हो गया, उसमें ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं, तो इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉलमनर है, ये पाई जाती हैं आपकी, ये सिक्रीटरी ऑब्जेक्टिव दोनों होती है, ये भी किडनी, थायराइड, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं आपकी, तो बस ये पूछ लेगा कॉलमनर एपिथेलियल, आपको एग्जांपल दे देगा इंटेस्टाइन, किडनी, या एक एक ऐसा एग्जांपल देगा जो सही होगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि पूरी थ्योरी नहीं पूछेंगे, आपसे बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल पूछेंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि इस बार आया था जो हमने बताया आपको, तो ये हो गया। बस बोन है, बोन में जैसे पूछ, बोन में क्या पूछेगा, बोन में पूछेगा जैसे कि कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। अब LSE GO4 तो थोड़ा बुलंदी है, तो उसमें शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकल में फेल तो नहीं होंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, बस ये कि आप मेरे वीडियो को देखिए अच्छे से, और ये जो प्रैक्टिकल में हम बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू के आपको स्टेटेड है, स्टेटेड मसल्स है, इसमें ये क्या होती हैं, वॉलंट्री होती हैं, अब आ जाएगा वॉलंट्री हैं या इनवॉलंट्री हैं या स्टेटेड है, अनस्टेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्मूथ मसल कहाँ होती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक यूनिट, आपके जो मतलब इस कहाँ पाई जाती हैं,
तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कार्डियक हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पाई जाती है आपके हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ, हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू पूछ सकता है कि जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, साइटॉन होता है, डेंड्रॉन, एक्जॉन होता है, ये निशल्स ग्रेन में पूछ सकता है कहाँ होती हैं, तो आपके साइटॉन में होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपके, अब जैसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि आपका बाईपोलर पूछ सकता है या यूनिपोलर, ये पूछ सकता है यहाँ पे। फिर ये जैसे इंपॉर्टेंट माइलिन सीथ है, सराउंडेड बाय मेडुलेटेड नॉन मेडुलेटेड एक्जॉन सर्वम में न्यूरीलेमा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन। फिर वैस्कुलर टिश्यू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि WBC RBC के बारे में भी बार बार पूछा जा सकता है, और इस बार भी क्वेश्चन आया था कि इसमें ब्लड का कंपोजिशन पूछ सकते हैं। 60% आपका कलर फ्लूड होता है, प्लाज्मा होता है इसमें, और 40% फॉर्म एलिमेंट होता है। तो WBC RBC, RBC में क्या होती है RBC, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्फेरिकल होता है, मतलब RBC कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं आपको पता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लेटेड होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं। और बात करें RBC आपकी जो उसमें होती हैं नॉन मैमेलियन में, तो उसमें उस वो ओवल होती हैं, बाइकॉनवेक्स और न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC में इशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर WBC एक ग्रैनुलोसाइट जिसमें कि लिम्फोमोनोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्लेटलेट का काम होता है, क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, ये इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन वो मतलब ज़्यादातर उसमें डेफिनेशन आती हैं बहुत ही छोटी जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि वाइटल स्टेन था उसकी आ सकती है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर क्या पूछेगा, कोई टिश्यू एक एग्जांपल दे देगा, ज़्यादातर वही पूछ लेगा। मान लो कि इसमें तुमने इस बार जो आया था वो कनेक्टिव टिश्यू से आया था, मान लो इस बार पिछली बार मस्कुलर से आ सकता है, यह कॉर्डियक जो हार्ट में पाई जाती है, स्मूथ मसल ब्लड वेसल में पाई जाती है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया चार, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर पाँच। इसमें स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू की हम स्टडी करते हैं इसमें, तो इसमें प्लांट टिश्यू की स्टडी में आपके जैसे कि इसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो नॉर्मल इसका फंक्शन पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं सिंपल कॉन सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या आते हैं, तो ये पैरन कॉलन स्केलन आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आता है, ठीक है, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल में क्या आता है और कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, सिंपल ऐसे पूछ सकते हैं। परमानेंट टिश्यू डिराइव होता है मेरी स्टेम से, ये इंपॉर्टेंट है। परमानेंट टिश्यू में आपके में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि इसमें, हाँ इसमें फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैरेन्काइमा का फंक्शन, इसका शेप कैसा होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि इंटरसेल स्पेस बहुत मतलब होता है इसमें, सर्कुलर है ये डायग्राम तो नहीं आएगा, फंक्शन पूछ सकते हैं इसका। जैसे फंक्शन इसका होता है कि इसमें पैरेन्काइमा जो होती है एक्यूटिक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक्यूटिक प्लांट होता है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होता है, स्पेस होता है प्लांट टू फ्लोट इन वाटर, इसको एरेन्काइमा बोलते हैं। और इसमें इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का फंक्शन होता है, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका कोलेन्काइमा की में स्पेस जो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, लेकिन इसमें इस पॉलीगोनल भी होते हैं, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे नहीं है नो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल, ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी स्टेमो लीव्स को प्रोवाइड करता है, ये पेटियोल ऑफ लीव्स में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सिंपल आपको थ्योरी से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्केलेन्काइमा जैसे दिया है इसका फंक्शन क्या है। अब इसे स्केलेन्काइमा में आपके फाइबर्स आते हैं, उसके स्केलेराइड्स आती हैं, ठीक है,
ये दो चीज़ें आती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका, जहाँ अब कॉम्प्लेक्स में जाइलम आ गया, जाइलम का फंक्शन ही इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ज़्यादा पूछा जाएगा। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि जाइलम में, हाँ इस बार क्वेश्चन जो आया था, ट्रैकीड बेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, तो इसमें कौन सी डेड है, लिविंग है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसमें आपकी ट्रैकीड भी डेड है, वेसल्स भी डेड है, जाइलम फाइबर भी डेड है और पैरेन्काइमा लिविंग है। इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या चीज़ आती है, सीव एलिमेंट आता है, कॉम्पेनियन सेल आता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर ये हो गया आपका 5 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में आ जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में आपका दिया है रिप्रिएशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मेयर ऑफ फ्रॉग एंड मैन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्मेयर टेक्निक यूज करते हैं, जैसे स्क्वाश टेक्निक होती है उसी की तरह होती है। इसमें जैसे कि स्मेयर टेक्निक जो होती है, हम इसमें ब्लड का प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, ओके, ये पूछ सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसके जो कलर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपका। इसका कलर्स अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जो फ्रॉक का दिया है, इसका शेप देखो, उसमें भी दिया था, इसमें भी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइकॉनकेव होता है, स्फेरिकल और नॉन न्यूक्लियेटेड होता है, ये RBC का, ये नोट में दिया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट में भी दिया है। ह्यूमन्स में ये दिया हुआ है, RBC में आपको ये दिया है, ओवल शेप और न्यूक्लियेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, और इसका कलर से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा नहीं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये दिया भी है, ब्लड में स्मेयर टेक्निक यूज करते हैं, ये पूछ भी सकता है कि ब्लड की प्रिपरेशन कौन से टेक्निक से करते हैं, स्मेयर टेक्निक से करते हैं। फिर आपका आ जाता है 6 हो गया, फिर हो गया 7। सेमेस में आपका देखो, ब्लड की स्मेयर, यहाँ पे स्क्वाश टेक्निक, स्क्वाश टेक्निक होती है कि हम क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं उनको मतलब स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम के लिए स्क्वाश टेक्निक यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या पूछ सकता है इसमें, जैसे कि ग्रास ऑपर के बारे में दिया है, क्रोमोसोम ये पूछ सकता है, स्टडी का क्रोमा, हाँ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ये फेज दी हुई, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेज में क्या चीज़ें होती हैं, स्टेज पूछ सकता है कि कौन सी हैं। तो आप ऐसे याद, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, PMAT, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, फिर ग्रास हॉपर में आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इसका प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। हाँ प्रोफेज फर्स्ट में भी आपकी PMAT 3 फेज होगी, ये आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर तो नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट है, यस हाँ प्रोफेज फर्स्ट में, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेज फर्स्ट में, देखो प्रोफेज खाली की अगर बात करें तो उसमें PMAT, ठीक है, ये हो जाएगा पहले, उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट की अगर बात करें, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इस बार आया था कि लेप्टोजाइगो पैची और डिप्लोइड डायग्नोसिस, ये किस में आती है, प्रोफेज फर्स्ट में आती है, ये क्वेश्चन इस बार आया है पर, ठीक है। तो लेप्टोजाइगो पैची डिप्लोइड डायग्नोसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट में आती है, ये आपका दिया हुआ भी है इसमें। ये मेटाफेज हो गया, ये आपका प्रोफेज हो गया, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें जो सब सारा दिया हुआ है, लेप्टोजाइगो पैची डिप्लोटिड डायगनेसिस, ये सारी फेज होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट में आती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर।
अभी हम आपको ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इस क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एक साथ पड़ जाते हैं, एक दिन में तीन तीन प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो सारा उस रिवाइज करना इम्पोर्टेंट, मतलब रिवाइज करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, तो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है एक्सपेरिमेंट में कहाँ से पूछा गया है वहाँ से हमने आपको बता दिया है। तो यदि आप कमेंट करेंगे, यदि आप चाहेंगे कि हम आपको अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर कर दें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, और आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट 7 हो गया है, तो एक्सपेरिमेंट 7 तक मतलब इम्पोर्टेंट है जितना भी हमने बताया है। फिर एक्सपेरिमेंट 7 में भी आपका क्रोमोसोम के बारे में दिया है, एक्सपेरिमेंट 9 में भी वही दिया है, एक्सपेरिमेंट 10 में भी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट 10 क्या है, ऑस्मोसिस है। तो आपका 7 चैप्टर हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें जो बचे हुए एक्सपेरिमेंट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो आपको भी मतलब इतना लेंथी वीडियो मतलब देखने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यदि आपको वीडियो सही लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो एक्सपेरिमेंट का हम बता देंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो मुझे खुद एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने जहाँ तक मेरी सिस्टर ने दिया है तो जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।